वो आ चुकी है, वो मुझ में आ चुकी है। वो कौन अनुप्रिया? क्या बोल रही हो तुम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये क्या हो क्या रहा है? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अजीब सी हरकतें करने लगती हूँ और जैसे मेरा खुद पर काबू ही नहीं रहता, और फिर कुछ याद नहीं रहता। गांव वाले कहते हैं मुझ में देवी आती है, देवी ने दर्शन देने के लिए मेरा शरीर चुना है। क्या ये तुम क्या कह रही हो अनुप्रिया? तुम्हारे अंदर देवी आती है? ये खरोश, ये निशान, ये मेरी वजह से हुआ है ना? कल्याणी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो मैं कह रही थी ना, अजीब सी शक्ति आ जाती है और फिर खुद पर काबू ही नहीं रहता। कभी कभी तो लोगों पर वार भी कर देती हूँ, इसलिए वो भेड़िया। लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तुमने कुछ नहीं किया अनुप्रिया? मैं संदूक से आई हूँ ना, मैं संदूक के अंदर थी तो तब मेरे को ये खरोच लग गई। तुमने कुछ नहीं किया, ये मामूली सी खरोच है, कुछ नहीं किया तुमने अनुप्रिया। शांत हो जाओ। पापा ने कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखो आवाज आ रही कल्याणी। कल्याणी मुझे बांधो, मैं कोई हरकतें नहीं करना चाहती फिर से। अनुप्रिया, तुम कोई हरकत नहीं कर रही हो, तो बिल्कुल ठीक हुई मैं तुम्हारा। चलो बाहर, नहीं तो बाहर चलो। नहीं कल्याणी, नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरी बात मान लो, मुझे बांध दो कल्याणी। ये आवाज देखो, आवाज ये आवाज से मेरा घर फटने लगता है कल्याणी। देखो अजीब सी शक्ति आने लगती हूँ, अजीब सा महसूस होने लगता है कल्याणी। कल्याणी मुझे बांध दो, मुझे बांध दो कल्याणी। अच्छा ठीक है, अब वो को ऐसा क्या हो जाता है अनुप्रिया को, जो इन लोगों को इन्हें बांध के रखना पड़ता है? मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा। मैं अनुप्रिया को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। शांत रहिए, शांत रहिए, सभी को देवी के दर्शन होंगे। आप लोग जो चढ़ावा लाए हैं वो अपने हाथ में ही रखिए। कल्याणी को कमरे में बंद करके तुमने ठीक नहीं किया। हम पूजा पाठ वाले लोग हैं, हम देवी की माया समझते हैं, लेकिन कल्याणी इस प्रथा को नहीं समझेगी। अगर वो यहां रहती तो देवी के दर्शन में बाधा लाती। हम चाहते हैं कि ये सब पूजा पाठ होने दीजिए, फिर उसको हम खुद छुड़ाएंगे। Yeah.
बांध के रखा है। अरे क्या बात कर रही हो तुम? मेरा यकीन करो, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है। उनकी हालत बहुत खराब थी। पास उन्हें बिखरे हुए थे, माथे पे सिंदूर लगा हुआ था, गले में बेड़ियां बंधी हुई थी। ये सब क्या चल रहा है? इसका मतलब कल्याणी सच कह रही थी? गोंदिया, ये सब क्या चल रहा है? किस बात की पूजा है आज? बहुत किस्मत वाले हैं हम जो देवी माँ के दर्शन मिले। हाँ, देवी माँ के आशीर्वाद से मेरी बेटी की गोद हरी हुई है। हाँ, क्यों नहीं, देवी माँ में बहुत शक्ति है। हाँ। ये माई के साथ क्या हो रहा है? तुम्हारी एक गलती की वजह से सारे गांव को देवी का प्रकोप सहन करना पड़ेगा। और तुम्हें जो दिख रही है वो अनुप्रिया नहीं है, वो देवी है। देवी, हमें तो खुश होना चाहिए कि देवी ने दर्शन देने के लिए हमारी अनुप्रिया का शरीर चुना है। देवी का उदो उदो। नजरें नीचे और सिर को झुकाओ, तुम्हें अभी देवी के प्रकोप का पता नहीं है। सिंहा शिखारा चढ़वासी मूल पीठ नायका, धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्प वृक्ष रेणुका, कल्प वृक्ष रेणुका, कल्प वृक्ष रेणुका। हे देवी माँ, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। देवी चा, देवी चा।
तुम्हें क्या हो गया? अनुप्रिया, अनुप्रिया! अनुप्रिया प्लीज आंखें खोलो। अनुप्रिया, अनुप्रिया उठो, अनुप्रिया उठो, उठो। ये क्या पागलपन है कल्याणी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवी का इस तरह अपमान करने की? भाव साहब, ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़की ने? इस अपमान का प्रकोप पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। माई उठो, माई। माई उठो, माई। क्षमा कर दीजिए देवी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। इस नादान लड़की की तरफ से हम आपसे माफी मांगते, क्षमा कर दीजिए। क्षमा आई, क्षमा कर आई, क्षमा। अनुप्रिया उठो, उठो अनुप्रिया। हाउ सब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर क्यों छो रहे हैं? अनर्थ हो गया। इस लड़की की बदतमीजी से नाराज होकर देवी माँ हम सबको दर्शन दिए बिना चली गई। और सब, इस प्रकोप की वजह से कहीं हमारे बच्चों को ना भुगतना पड़े। इसे तो गांव से निकाल देना चाहिए। हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। पूर्ण विराम। बस करो कल्याणी, बस करो। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? तुम्हारी वजह से और कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ेगी हमें। आज तुम्हारी वजह से देवी माँ यहाँ से नाराज होकर गई है। हमारी भक्ति का, हमारी श्रद्धा का मजाक बनाया तुमने। मजाक? मजाक मैंने बनाया है? अरे मजाक तो आप सब कर रहे हैं। आप सबको ये सब मजाक लगता है? अनुप्रिया की ये हालत कोई देवी आने की वजह से नहीं हुई है? ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। फिट कहते हैं इसे, फिट। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इन्हें। और ये बीमारी का इलाज भी होता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब पहली बार इन्हें ये प्रॉब्लम हुई थी तो आप में से कोई इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया, डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गया? वैसे ही बेचारी ने मेरे माँ बाप की वजह से कम दुख सहे हैं क्या, जो अब आप लोग इन्हें और तकलीफ में डाल रहे हैं और तकलीफें दे रहे हैं इन्हें? लेकिन अब बस बहुत हो गया। मेरे होते हुए इन्हें अब और कोई तकलीफ नहीं होगी। अनुप्रिया उठो, उठो, चलो अंदर, रूम में चलो। आओ सर, सारे गांव के सामने इस लड़की ने हमारा धर्म का अपमान किया है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? सही तो कह रही है कल्याणी। पूर्ण विराम। लेकिन आत्या, मैं कोई धर्म का अपमान नहीं कर रही हूँ। अपनी भक्ति, अपना धर्म पूरा करने के लिए ऐसे किसी मासूम को भीड़ियों में जकड़ के रखना, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता। अनुप्रिया की ऐसी हालत एक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हुई है, और ये धूप, अगरबत्ती, ये ढोल, ये सब चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है कि अनुप्रिया को कोई शारीरिक रोग है तो तुम्हें ये बात साबित करनी होगी। ठीक है, मैं ये बात साबित कर रहूंगी।
मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। मैं ये साबित करके रहूंगी कि अनुप्रिया को सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम है। इस बेचारे की पहले से ही तबीयत खराब थी और ये लोग उसके साथ ऐसा जबरदस्ती बर्ताव कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं होने दूंगी अनुप्रिया को। ओ गॉड, मर गई। ये लोग तो वहां अंदर पूजा में थे। देखिए, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करिए। मैं किसी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर। जाने दीजिए मुझे। मुसीबत तो तुमने खुद अपने आप के लिए खड़ी कर दी है। तुम क्या समझती हो, हमारे धर्म का मजाक बनाओगी, तुम देवी माँ का अपमान करोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? इस पाप की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। बचकर भाग कर जाएगी कहां? कोशिश भी मत करना भागने की। अनुप्रिया, वो तुम जैसे लोगों के अंधविश्वास की वजह से बहुत तकलीफें सह चुकी है। वो बेचारी बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो और मुझे जाने दो। आप लोग ऐसी हरकतें करके अस्थी देवी माँ को नाराज कर रहे हो, उसका क्या? हाँ, वो धर्म के खिलाफ नहीं है। अब तुम हमें हमारे धर्म के बारे में ज्ञान देगी?